दोस्तों आप लोग ज्ञान गेमिंग को तो जानते ही होंगे, जिसके यूट्यूब चैनल पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर, जो फ्री फायर पर गेमिंग करता है। अब दोस्तों रिसेंटली उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, आई नीड जस्टिस। ठीक है, उस वीडियो का टाइटल था आई नीड जस्टिस। पहले उस वीडियो को देख लीजिए। बता नहीं सकता गाइस यार, जो दर्द होता है ना मेरे को, मैं सो नहीं पाता। कभी कभी दूसरों को बोलता है हॉस्पिटल में यार, कश में भर जाता उस समय। मैं पता नहीं सकता गाइस यार, वो पेन पेन ना, वो पेन हो जो 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार। जो बंदे का प्यार कट जाता है, उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग? वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे मारा है। दोस्तों आप लोगों ने तो वीडियो देख लिया, उसने भी अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया है जिसपे 8.6 मिलियन तक व्यू आया है। सो दोस्तों उसका कहना है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। उनका कहना है कि उनका जो कार है वो रोड साइड पर खड़ी थी लखनऊ में, और वो टॉयलेट करने के लिए बाहर निकले गेट को खोल करके, उसी बीच एक हाई स्पीड वाली कार आती है, यूपी वाले नंबर का कार था, और उसको मारकर चला जाता है, और उनमें से काफ़ी लोग चोटिल भी हुए, लेकिन मेन जो हुआ वो हुआ ज्ञान गेमिंग का। सो देख सकते हैं ज्ञान गेमिंग का एक पैर ही नहीं रहा। कि आपके पास जितना भी पैसा दौलत शोहरत क्यों ना हो, अगर आपके शरीर से एक अंग चला जाए दोबारा उसको आप ला नहीं पाओगे। जैसे ज्ञान गेमिंग का एक पेड़ चला गया, देखिए अब उसी तरह से ज़िंदगी को पार करना है। एक टांग तो चला गया, एक टांग के सहारे ज़िंदगी पार करना है। देखिए अच्छा खासा इंसान था, एक दिन के लिए अब उनको एक टांग में ही रहना पड़ेगा। देखिए वो कहते हैं उनको जस्टिस चाहिए, जो उसको कार से मार कर चला गया, वो खुलेआम घूम रहा है, उनको भी तो कुछ होना चाहिए। सिर्फ थाना में आता है, साइन करके चला जाता है। देखिए उनका कहना है कानून को लेकर, भारत सरकार को लेकर, उनका मांग है उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और उनको कहना है रूल को लेकर के। फर्स्ट टाइम जिस हॉस्पिटल में गया था, उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट ही नहीं लिया। उस हॉस्पिटल वाले जो आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले समझेगा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे इलाज कर दीजिए। उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा कि मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए। देखिए अगर आपका फैमिली मेंबर में किसी को चाहिए होगा तो अभी एडमिट हो जाएगा, जो कि वो घूमने के लिए लखनऊ आया हुआ था। देखिए उनका फैमिली मेंबर तो उसके साथ थे ही नहीं, और उस हॉस्पिटल में उनको एडमिट भी नहीं किया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाकर उनका एडमिट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजन मिस्त्री, आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को ज्ञान गेमिंग के नाम से जानते होंगे। और 22 अप्रैल को लखनऊ में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस बंदे ने मुझे कार से मेरे जिस वजह से मेरा लेग कट गया है, तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। तो गैस मैं कलकत्ता से हूँ, मैं गया था लखनऊ, लखनऊ से गया था नेपाल, तो वहाँ से हम कुछ यूट्यूबर लोग आ रहे थे लखनऊ की तरफ, तो रास्ते में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, तो हम लोग इनोवा में थे, तो ड्राइवर मेरा दरवाजा खुला था क्योंकि मैं मेडल पे बैठा था, और मेरे साथ अतुल गुप्ता था, सरजू गिरी थी जो नेपाल से थी, और उनके साथ उनका वाइफ और उनका एक सिस्टर थी। और जैसे ही मैं मेडल पे बैठा था, जैसे ड्राइवर का दरवाजा खुला, तो मैं उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो मैं वॉशरूम जाने के बाद इसमें एक तेज कार आके सीधा हम लोगों को, अब यहाँ पे फुटेज दिख जाएगी, सीधा कार में हिट किया और हम लोगों को कार सीधा खाई में गिर गया। ठीक है, तो सिर्फ वो हम लोगों का इंडिकेटर चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, डिपर वार्निंग था, जो कार इतनी तेज आ रही थी मुझे उसकी आवाज़ तक सुनाई दिया, ना उसका हॉर्न तक सुनाई दिया, मुझे पता नहीं उन लोग कितना ड्रिंक किया था क्या नहीं किया था, कितने स्पीड में था, कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ऐसे मैं देखा, बस एक लाइट दिखा मुझे, और मुझे ऐसे टक्कर हुई, और मैं देखा मेरे अपना पैर कट के झील मैं ऐसे 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 कर रहा था। तो उस समय मैं क्या बोलूँ यार, उस समय मेरा दोस्त लोग सब खाई के तरफ थे, और जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोगों के कार अटक गए, वो लोग चार बंदे, वो लोग बोला मेरे दोस्तों वो लोग तो सारे भाग गए, तो सारे फोटो खींच रहे थे, कम से कम 20 से 30 मिनट हो चुका था शायद, दोस्त लोगों ने बोला है, तो मैं सबको बोला था भाई कार बुला ले मेरे लिए, और कार जल्दी से कर बुला यार, मैं शब्द नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ उस चीज़ में, कैसे एग्जाम्पल बोलूँ, सब लोग फोटो खींच रहे था, मैं सबको बोला था भाई कार बुला दो मैं बच जाऊँगा कार बुला दो, मगर एक इंसान नहीं आ रहा था, मेरा दोस्त लोग देख के रो रहा था सब लोग, मैं बोला था भाई कार बुला दे, वो लोग भी रो रहा था, जो उनका वाइफ जो था वो रो रहा था भाई फोटो खींच रहे, तुम लोग यार कार बुला नहीं सकते हो यार, टुंडे भाई जो नेपाल से थे वो रो रो के सबको बोल रहा था यार 1 लाख रुपये ले लो 2 लाख रुपये ले लो इनको हॉस्पिटल पहुँचा दो। तो मैं क्या कैसे वो जो दर्द है ना मैं बयान नहीं कर सकता यार। तो एक भाई साहब मिले जो जिनको सब जो ने बोला जो भाई मेरे दोस्त वो आज बहुत सारे का रुका था, मैं जैसे ही देखा था पैर कटे उसके पैर झूल रहे थे, वो चल जा रहा था, कुछ कुछ आ रहा था, कुछ कुछ चल भी जा रहा था, फिर जैसे तैसे कार मिला हम लोग को पुराना वाला, तो हम लोग उसमें बैठा, मेरा वो कटा हुआ पैर वो झूल रहा था मेरे सामने, मैं
क्या बोलूं मैं उस चीज को, वो दर्द को मैं ऐसे पेन ही नहीं कर सकता यार गाइस। फिर वहां से मैं हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक एम्बुलेंस मिला था, जाते थे कुछ दूर जाते थे, एम्बुलेंस मिला था छोटा सा, क्योंकि उनके उन्होंने थोड़ा सा बैंडेज वगैरह कर दिया था। फिर हम लोग थोड़ा शिफ्ट हुए दूसरी एम्बुलेंस में, फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। तो एक रास्ते मैंने वो दो घंटा तीन घंटा में पता नहीं कैसे बचा मैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे को बस सवाल कुछ सवाल है, ये चीज़ यार किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है ना रोड में यार जी, कोई भी इंसान देख रहे हो, भारतीय में जितने बंदे देखते हो यार, जिस बंदे को पेन होता है ना, दर्द होता है, वो आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे यार। मैं कैसे बताऊं यार, मेरे दोस्त लोग जो रो रहे थे ना उस समय यार, जो कर रहे थे ना, मैं देख रहा था अपने आंखों से, पूरा होश में था मैं, मेरे को जो दर्द हो रहा था ना, मैं वो बाय नहीं कर सकता मैं यार, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचा, अब कुछ हॉस्पिटल में तो ले ही रहा था, क्यों बोल रहा था इसके फैमिली नहीं, मैं घूमने गया, बोला था इसके फैमिली नहीं, मैं खुद वहाँ पे मैं बोला था हॉस्पिटल वाले को, जो लोग आए थे बोले मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहीं भी बताऊँ मैं साइन कर देता हूँ, कुछ भी पैसा लगे तो ले लो मेरे को, बस बचा लो। क्या नाम था उसका, क्या आईश्री हॉस्पिटल, आर आईस हॉस्पिटल ऐसे बोल रहा था, मैं तो जिंदा हूँ मेरे से साइन करा लो, मेरे को बचा लो। तो उन लोगों ने नहीं ली, उन लोगों ने कहीं और जगह शिफ्ट करने बोला। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग जो लोग बोला था जिनका बर्थडे था आयुष, उनको दोस्त लोगों ने पहले एक चंदन हॉस्पिटल बोल के था, उन लोगों से बात कर चुका था, हम लोग गए तुरंत, जाने के बाद हो गया तुरंत, मैंने वापिस मैंने जल्दी जल्दी हो गया से बात है। तो जब मेरे आँखें खुली तो मैंने देखा, मेरा शायद मुझे लगा था मेरा पैर गिर जाएगा, कुछ होगा, मगर हुआ नहीं। फिर मैंने कुछ देर के बाद सुना जो व्यक्ति के क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, जिस व्यक्ति ने कुछ हुआ जिसके साथ, क्या है क्या करा, बोले मैं सुन रहा हूँ प्लेयर घूम रहा है, बस थाने में आ रहा है, साइन कर रहा है, चल जा रहा है। मैंने मैं अपने आपको बचपन से सुनते आ रहा हूँ ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मुझे ना जो भी पता नहीं यार मैं कैसे वो चीज़ को बैन करूँ, जिस अगर मैं मर जाता वहाँ पे, मैं अगर वहाँ पे मेरे दोस्त लोग नहीं रहते, मैं अकेला रहता, मेरे को तो उठने वाला कोई था ही नहीं वहाँ पे, कोई नहीं उठा था। अगर मैं दोस्तों में अगर अकेला घूमने जाता कि मैं रोड से अकेला था, मेरा ड्राइवर आता, मेरे ड्राइवर को भी कुछ हो जाता, तो अगर मैं सिर्फ सिंगल और मेरे ड्राइवर रहता तो कोई आता ही नहीं मदद करने यार, कोई नहीं आता यार। मैं सोच रहा हूँ हम लोग का सिस्टम कितनी खराब है, मैं खुद जिंदा हूँ हॉस्पिटल से भीख मांग रहा हूँ आर आई से हॉस्पिटल से, जब मैं जिंदा हूँ मेरे से साइन करा लो, मेरे से पैसा ले लो, मेरे से सब कुछ करा लो, मगर नहीं, मुझे उसमें मेरे फैमिली चाहिए, मेरे फैमिली में नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ यार, मेरा मैं सिस्टम को बताना चाहता हूँ, हर चीज़ को बताना चाहता हूँ, क्यों और उस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिला। वो बंदा थाना में गया है, साइन कर रहा है, बस मेरे पैर कट गया, मैं वो झेला, वो तीन घंटे तक मैं ट्रैवल करके हॉस्पिटल में पहुंचा, क्यों मेरा जो दर्द है ना अंदर, अगर आप लोगों में खुल के दिखाऊंगा ये जो दर्द, 40 दिन में हॉस्पिटल में था, 40 दिन जो पेन, मेरा चार बार ऑपरेशन हुआ था, मेरे दोस्त लोगों को बताया और फिर हर एक नर्स को बताया, हर डॉक्टर को बताया, जो मेरा पेन हो रहा था, मैं जो रो रहा था, मैंने क्या बोला आप लोग यार, मैं तो सोचा नहीं था मैं बचूंगा, सबसे पहली बात यार, एक बार हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम ऑपरेशन में रो दिया, इतनी ज्यादा स्पाइन में पेन हो रहा था मेरा, ये चीज अच्छा नहीं है सिस्टम का, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है जो बंदा खुलेआम घूम रहा है, मेरे एक पैर कट चुका है, बंदा खुलेआम घूम रहा है, तो उस बंद सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूँ, सिस्टम हो, भारत सरकार हो, आई नहीं हम लोगों का, मैंने कुछ भी सुना था कोई पुणे वाले दो बंदे को मार दिया, अगर वो लोग बच जाता, वो लोग मैंने कुछ भी बच जाता कुछ भी करके, तो क्या होता उस बंदे का, अभी तो वो लोग मर चुका है, तो उसको क्या, उस बंदे को सजा नहीं मिल रहा, वो 17 साल के, और मेरे बंदा तो वो तो खुलिया घूम रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है, बस थाने में जा रहा है, साइन कर रहा है, खत्म, इतना देखो उसका चीज है। मुझे गाइस इतनी चीज मुझे पता है, जो मेरा जो नुकसान हुआ है ना, ये चीज के लिए जिंदगी भर मैं कितनी तड़पूंगा मुझे पता है, मेरा जो दर्द हुआ है ना सिर्फ मैं जानता हूं, जे कितनी दर्द हुआ है, कितना रोया हूं मैं, अभी फिलहाल मैं कलकत्ता में हूं, और गाइस ये मैं बता नहीं सकता, मेरे जख्म, मेरा चीज, मैं गाइस
मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, हर एक लखनऊ वाले से, इंडिया वाले से मैं निवेदन करता हूँ, मैं उसका कार का दिखा दूंगा, कहाँ पे फुटेज है उसका, कार का क्या नंबर है, यूपी वाले पुलिस से, लखनऊ वाले पुलिस से, मोदी सरकार से, कोई भी सरकार है, भारत सरकार से मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति से भी, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सजा सजा ना तब भी कम है, सजा 2 साल 3 साल, अगर मैं जब पड़ा था उस रोड में, मैं वही सोच रहा उस रोड में मेरे दोस्त लोग नहीं होते, उस ड्राइवर नहीं आते मेरे को बचाने के लिए, तो क्या होता मेरे साथ, क्या करता मेरे साथ जख्म को, इसमें अब भी गैस दर्द होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो ना गैस यार, अभी भी रात में सो नहीं पाता कि मुझे पेन किलर लेना पड़ता है इस दर्द के लिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है, उस व्यक्ति को पकड़िए, मेरा जो भुगतान है मेरा, मैं डेली मंथ में मेरा कम से कम 1.5 लाख रुपए मेरा अन्नी होता था, अभी मैं 1 साल कुछ नहीं कर पाऊंगा तो इसका पैसा कौन देगा, जिम्मेदारी कौन होगा, सारे जे मैं पूरे उम्र मैं YouTube वगैरह काम, ये तो बस 2 दिन का चीज है, मैं करना नहीं चाहता, मेरे पैर कट गए मैं क्या करूं, मैं अभी कुछ करना नहीं चाहता, अगर मेरा हाथ पैर कट जाता, मैं चारों हाथ कट जाता, 2 पैर कट जाता, केवल 2 हाथ कट जाता, मैं क्या करता, वो व्यक्ति तब भी घूम, मैं मर जाता तब भी वो व्यक्ति घूमता। तो मैं चाहता हूँ हर बंदे से, हर व्यक्ति से, हर पुलिस वाले से, जिस ये जो कार का नंबर है इनको सजा दीजिए, मेरा जिंदगी का सजा, सजा तो कम हो गया यार, सजा सजा उनके लिए सजा है ही नहीं, ये चीज के लिए सजा होता ही नहीं यार, मैं मेरा मानना है, क्योंकि जो मेरे में बिकता है ना, जो मेरे में जो बीता है ना, वो बता नहीं सकते किसी को यार, मेरे बम्पी डैडी से मिल नहीं पाऊ, बात करते रहो, रोता है वो लोग, कांपता है मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त लोग क्या बोलो मेरे को यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता गाइस यार, जो जितना दर्द होता है ना मेरे को, मैं सो नहीं पाता, कभी कभी दोस्तों को बोलता है हॉस्पिटल में यार, कश्मीर भर जाता उस समय, मेरा एक दोस्त से टूटने का बोल के वो कितने बार उसकी सर्जरी में मैंने सुसु कर दिया, मुझे खुद नहीं पता, उनका परिवार देख रहे नहीं यार, मेरे परिवार देख रहे नहीं, मेरे साथ रहे वो लोग यार, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, मैं पता नहीं सकता कैसे, पेन ना हो, पेन हो, जो 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार, जो बंदे का प्यार कट जाता है उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग, वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे मारा है, ना पुलिस वाले समझेगा जिसने कंप्लेन लिखा है, ना वो लॉ जो वो सिस्टम है जिसने समझेगा, जिस बंदे का प्यार कट जाता मैं जिंदा हूँ, उस हॉस्पिटल वाले जो आर एस हॉस्पिटल वाले समझेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए, उस समय से 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा जी मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए, मगर सिस्टम पहले ये इसको बुलाइए, पहले पुलिस वाले को बुलाइए, पहले उसको बुलाइए, फिर बस यही चलते रहते जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद। और सरकार से बस यही चाहता हूं, ये जो रोड हट से होता है ना, कभी दिल से सोचिए क्या बीतते उस बंदे के ऊपर जिसको बड़ी चीज होता है, ठीक है, मेरे मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ वो चीज हुआ है, वो हादसा हुआ है, मेरे को पता है जी क्या हुआ है मेरे साथ, तो मैं जिंदगी भर कैसे चलूंगा, क्या मुझे इससे चलना पड़ेगा, क्या वो बंदा मेरा प्यार फिर से दोबारा कर सकता है, क्या सरकार मेरे लिए सेम जैसे मैं था ऐसा मेरे लिए कर सकता है मेरे सरकार, क्या मेरा पुराना वाला प्यार मेरे लिए लगा सकता है जैसे मेरा प्यार था, ये वाला प्यार जैसे, इसमें भी बहुत सारा जख्म है, इधर है, नीचे है, इधर है, इधर भी टूटा हुआ है, इधर बहुत सारा जख्म है, देखना चाहते आप लोग, इधर भी बहुत सारा जख्म है जिससे मैं खड़ा नहीं हो पाता हूं, अभी हल्का हो पाता हूं इस पैर से, तो उस हर सिस्टम से मुझे सवाल है मैं कैसे जिंदगी भर सही चलूंगा, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए सारी उम्र भर मेरा खर्चा उठा पाएगा, अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को सजा मत दीजिए, मैं चाहता हूं उस व्यक्ति को जहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है
सेम जगह पे उसका ही पैर कटना चाहिए और उधर से उसका फैमिली 3 घंटा बैठ के हॉस्पिटल में आके रोए और ऐसे ही उसको मदद मिले जैसे मेरे को सेम मिला था, ऐसे ही वो लोग करे तरफे। ये मैं चाहता हूँ, अगर मैं मर जाता तो खुले हम घूम रहा होता, अभी भी जैसे घूम रहा है। क्या सरकार मेरे लिए चीज कर सकता है? अगर नहीं कर सकते तो मेरे लिए एक पॉइंट लिख दे, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, आपके लिए एक चीज इशू होगा, जे आप लखनऊ में आके एक्सीडेंट करिए, किसी को भी मारिए, किसका भी किसको भी टांग कटे, कुछ भी कटे, आपको कुछ नुकसान नहीं है, बस आपको थाने में जाना साइन करना, यही हम लोगों का लॉ है, यही सिस्टम है। अगर यही सिस्टम है तो मुझे लिख के भेजिए चीज, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, किसको भी मारिए, क्योंकि मुझको रही ना आप लखनऊ में है। अगर ये नहीं होता है तो जितना भी खर्च होगा पूरा लाइफ टाइम तक उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो सरकार उठाए मेरे लिए, कर सकते हैं हर व्यक्ति, मेरे लिए नहीं, जिसका भी ऐसे हादसा हुआ है। वो लोग नशे में थे, मेरे दोस्तों लोग नशे में थे, कैसे थे, ओवर स्पीड कर रहे थे, कम से कम 120 के ऊपर तो था ही, 120-150 पता नहीं कितनी स्पीड था उसका, और वो निकल के इतनी जल्दी भागा। एक बार मेरा हॉस्पिटल तक मेरे को मिलने नहीं आए वो लोग, एक बार भी नहीं जो हॉस्पिटल में मिलने आए मेरे, मेरे को पूछ नहीं है जो क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, आपको हमसे गलती हो गई, और एक बार भी किले नहीं इतनी। बस यही है सवाल, क्या सरकार मेरे लिए जिंदगी भर मेरे जैसे हर बंदे के लिए कर सकते हैं, मेरे सारे खर्चा उठा सकते हैं आप? तो ये मेरा बैंक डिटेल्स है उस व्यक्ति के लिए, अगर उसको सजा मुझे नहीं चाहिए, सजा उसको देना नहीं है, मेरे निवेदन हाथ से उसको वही जगह पे अपना डा पैर काट के फेंक दिया जाए परिवार के साथ, और वो मेरे तरह तत्पाए कार के लिए रोए, हर बंदा सेल्फी खींचे उसकी, फोटो वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे वो मैंने जो झेला है ना सर बता नहीं सकता, मैंने जो खोया है मैं बता नहीं सकता, जिसका जो जाता है वही समझता है। धन्यवाद।